करते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अतीक के रिश्तेदारों इमरान के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज प्रकरण को लेकर। इमरान की अवैध संपत्ति पर आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। रावतपुर में स्थित अवैध जमीन को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की तरफ से लगभग 250 करोड़ के ऊपर की कीमत इस बिल्डिंग की, इस प्रॉपर्टी की बताई जा रही है, जिसको ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। 25,000 का इनामी इमरान, जिसके घर पर यह कार्रवाई हुई। इमरान पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले भी दर्ज हैं। और आपको बता दें कि लगातार प्रयागराज के अंदर प्रयागराज प्रकरण को लेकर, उमेश पाल की हत्या को लेकर अतीक अहमद और अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अतीक अहमद के करीबी इमरान की संपत्ति पर आपको बता दें कि कार्रवाई की गई है। अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला, लगभग 250 करोड़ रुपए के ऊपर कीमत बताई जा रही है, जहां पर बुलडोजर की एक कार्रवाई की गई है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अतीक अहमद के लगातार यहां पर कार्रवाई करीबियों पर होती हुई नजर आ रही है। और पिछले कुछ दिनों से, जब से उमेश पाल हत्याकांड का यह पूरा मामला हुआ है, तब से सभी करीबियों पर बुलडोजर और गैंगस्टर की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि रावतपुर में अवैध जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला और ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अतीक अहमद के करीबी इमरान पर हुई है। इमरान 25,000 का इनामी, कई अपहरण के, रंगदारी के, हत्या के मामले इमरान पर दर्ज हैं, जिसके तहत फिलहाल ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? लगातार बुलडोजर चल रहा है अतीक के करीबियों पर। इमरान किस तरीके से ये बड़ा करीबी माना जाता है अतीक का, और क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल विशाखा, जिस प्रकार से योगी सरकार लगातार एक्शन में है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड एक जो है ट्रेंड बन चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का ट्रेंड बन चुका है। और अभी तक जो मेन शूटर थे 5 से 8 तक अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो लगातार योगी सरकार जो है अतीक के करीबियों पर, अतीक के जो है गुर्गों पर, अतीक के जो भी साथी रहे हैं, साझीदार रहे हैं, और जो उसके साथ जो है लगातार इस जो हत्याकांड में शामिल है, उस पर लगातार एक्शन जारी है। अभी पिछले 3-4 दिन पहले बुलडोजर चला था, उसके पहले बुलडोजर चला था, दो इनकाउंटर हुए थे। तो पुलिस और एसटीएफ और पीडीए की टीम लगातार जो है ये कार्रवाई कर रही है, घेरने का प्रयास कर रही है कि जो भी इनके गुर्गे हैं अतीक अहमद के, उनको जो है घेरा जाए, उनका सुराग खोजा जाए, वो पुलिस के गिरफ्त में आए। तो आज जो है अतीक अहमद का जो साढ़ू था, इमरान था, 25,000 का, आपको बता दें 25,000 का इनामी भी था, 2 साल पहले इनकाउंटर के डर से ये सरेंडर कर दिया था, इस समय जेल में है। तो उसकी जो है अवैध संपत्ति जो ये करेली के जो है करेली क्षेत्र में और जो है रावतपुर जो है गांव में जो है 300 बीघे की अवैध संपत्ति बना कर रखा था, वहां पर प्लाटिंग का अवैध धंधा कर रहा था, इसको भी पीडीए की टीम ने सर्च किया, प्रशासन की टीम ने सर्च किया। तो प्रशासन की टीम को लगा कि अवैध जो है इनके ऊपर चाहे जितना शिकंजा कसा जाए, इनके भले मकान जमी ध्वस्त कर दिए जाए, ध्वस्त किए जाए, लेकिन जो अवैध प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं प्रयागराज शहर में, जहां पर जमीनें भी बड़ी कीमती है, एक प्लाट की कीमत 10 लाख 15 लाख आंकी गई है, 300 बीघे का अवैध प्लाटिंग का ये कारोबार कर रहा था, इसके गुर्गे इमरान के गुर्गे भी वहां पर जो है मौजूद थे, जो अपना जो है लगातार जो है प्लाटिंग का कारोबार कर रहे थे। तो पीजे की टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन किया, नोटिस भी जारी किया, और आज जो है उसकी 300 बीघे की जो अवैध प्लाटिंग की जमीन थी उसको जो है ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर चला के, जेसीबी चला के उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और आपको बता दें कि प्रशासन के मानकों के अनुसार, मापदंड के अनुसार उस जमीन की कीमत 250 से 300 करोड़ के बीच आकी गई है। तो जिस प्रकार से योगी सरकार जो है अतीक अहमद के गुर्गों को, उसके साढ़ू को, उसके रिश्तेदारों को, उससे जुड़े जो भी लोग हैं जो इस माफिया गिरी में सम्मिलित हैं, गैंगस्टर में सम्मिलित हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जिनका भी थोड़ा सा लिंक प्राप्त होता है, उस पर लगातार जो है पीजे कार्रवाई कर रहा है। और आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल हत्या में जो है 5 लाख का शूटर है, बम बरसा रहा था, दहशत का माहौल फैला रहा था, उसकी भी सूची पीडीए के पास तैयार है, हो सकता है कल उसके भी मकान और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले, योगी का जो है पीला पंजा वहां पर भी पहुंचे। तो अवैध संपत्ति को लेकर जिस प्रकार से पीडीए ने सर्च ऑपरेशन करने के बाद लगभग 40 लोगों की सूची जो है बना कर रखी है, सबको नोटिस भी जारी कर दी है। तो लगातार ये
मकान जमी दोष करने के साथ साथ जो अवैध संपत्ति से इनका जो है काला कारोबार था, धन का कारोबार था, उस पर भी पीडीए नजर बनाई है। लगातार एक्शन जारी रहेगा, क्योंकि आज जो देखने को मिला इमरान पर जो उसका सगा साढ़ू था और जो है कई गैंगस्टर एक्ट में दर्जनों मुकदमे इस पर आपराधिक दर्ज है और उस समय जेल में भी है। तो योगी सरकार लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। उमेश काल उमेश पाल हत्याकांड से जो भी तार जुड़ रहे थे इकामत के, जो रिश्तेदार हो या जो भी उसके गुर्गे हो, उस पर सीधे कार्रवाई, सीधे प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो एसटीएफ के माध्यम से हो, चाहे इनकाउंटर के माध्यम से हो, चाहे पुलिस प्रशासन की घेराबंदी के माध्यम से हो। सभी माफियाओं पर यहाँ पर ये कार्रवाई, माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई लगातार योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।